गुड इवनिंग मैं क्लास 12 की प्यारे बच्चों, आज की इस सेशन में देखेंगे कि जो यूपी बोर्ड 2022-23 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है उसे आज हम लोग देखेंगे और किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा पूरा पैटर्न जानेंगे और इस मॉडल पेपर को आपको सलूशन भी दे देंगे और आज की इस सेशन में आपको बताएंगे कि इस मॉडल पेपर का सलूशन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो प्याचे एक कुछ इस तरह से आपका मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर जो इस वर्ष जारी किया गया है यही सेम मॉडल यूपी बोर्ड 2021-22 के सेशन में भी जारी किया गया था। चूंकि सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ, सेम वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, तो इसलिए इस वर्ष भी यही मॉडल पेपर यूपी बोर्ड वाले उठा करके दे दिए हुए हैं। तो इस मॉडल पेपर पे चर्चा करने से पहले सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चों को जो है पता चल सके कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा और आपको कैसे करना होगा उस सारी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो अब यहां पर देखिए ऊपर लिखा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर लिखा गया है और सेशन 2021-22 लिखा हुआ है लेकिन आपने 2022-23 लिखा गया होगा और उसके नीचे लिखा गया होगा इंग्लिश लिखा जाएगा और उसके नीचे आपका क्लास 12th मींस आपका क्लास 12th का पेपर है तो क्लास 12th लिखा गया होगा और उसके बाद यहां पर देखिए टाइम दिए हुए हैं 3 आवर 15 मिनट्स मींस आपका पेपर कितने घंटे का होगा 3 घंटा 15 मिनट का होगा और मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 100 मार्क्स मींस पेपर कितने घंटे का होगा कितने नंबर का होगा 100 नंबर का होगा पूरे 100 नंबर का होगा। तो भैया अब जनरल इंस्ट्रक्शन उसके नीचे देखिए दिए हुए हैं मींस दिशा निर्देश सामान्य दिशा निर्देश और दिशा निर्देश आप यहीं पर पढ़ लोगे आपको बोर्ड परीक्षा में इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी आप ध्यान से पढ़ लो। देखिए पहला आपका इसमें दिए हुए हैं द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर मींस ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं ये आपको जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो प्याचे आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में 15 मिनट का समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, तो इसमें जो भी समय आपका बच सके आप बचा लेना। ऐसा नहीं कि इन्होंने 15 मिनट कह दिए तो आप 15 मिनट पेपर पढ़ते रहें, ये काम आपको नहीं करना है। आपको जो है केवल 5 से 7 मिनट में पूरे पेपर को एक बार पढ़ लेना है और पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि जो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से आ रहे हो उसे आप पहले कर सकें। तो इसलिए आप सभी जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार शुरुआत में पढ़ लोगे, ये पहला आपका दिए हुए हैं। और दूसरा देखिए दिए हुए हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी मींस सभी प्रश्न आपको करने आवश्यक हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर तीसरा देखिए दिए हुए हैं मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन मींस जो नंबर है जो प्रश्न है उसके आगे जो है कितने नंबर का वो प्रश्न है आगे दिया गया होगा। तो ये आपका 3 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और तीनों इंस्ट्रक्शन हमने आपको यहीं पर बता दिए, आपको बोर्ड परीक्षा में पढ़ने की आवश्यकता इन तीनों इंस्ट्रक्शन को नहीं है। अब जो है आपका देखिए ये सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिए हुए हैं और आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा वो 4 सेक्शन उसमें होगा, रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, ग्रामर का सेक्शन होगा और आपका लिटरेचर का सेक्शन होगा, 4 सेक्शन होगा। तो प्याचे यहाँ पर देखिए आपका पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन में आपको क्या होगा कि एक जो है अनसीन पैसेज दिए होंगे, देखिए आपका एक अनसीन पैसेज दिए हुए हैं उसके ऊपर देखिए इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो दैट फॉलो मींस जो है इस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एक अनसीन पैसेज दिए हुए हैं मैन इज अ ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। तो प्याचे ये आपका अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज का आपको सलूशन जो है जो आपका टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप बना है उस जो है पब्लिक ग्रुप में इसका ये आपका जो है मॉडल पेपर भी उसमें दे देंगे और इसका पूरा सलूशन भी दे देंगे। तो इसलिए आप लोग वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा सलूशन दे देंगे। तो इसलिए टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा तुरंत हम वहां पर जो है आपको मॉडल पेपर और इसका सलूशन दे देंगे। तो भैया ये आपका मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल दिए हुए हैं, ये आपका पूरा अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न कितने होंगे अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वाकई बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हुए हैं व्हाई इज मैन कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल, ये आपका पहला है। दूसरा बी वाला दिए हैं व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, इस तरह से देखिए 4 प्रश्न
प्रश्न बी वाले प्रश्न तक आपका जो है 60 टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका ई वाला प्रश्न है अर्थात पांचवा प्रश्न है, इसमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं और ये तीनों प्रश्न आपके एक एक नंबर के होंगे। तो भैया जो है तीन प्रश्न तीन नंबर के हो जाएंगे और वो जो है तीन तीन नंबर के थे तो 12 नंबर के हो जाएंगे। और ये आपका वकैब बेस्ड प्रश्न है, मीन्स ई वाला जो दिए हुए हैं, ये ई में जो तीन प्रश्न दिए हुए हैं, ये तीनों प्रश्न आपका वकैब बेस है और हमने इसकी महामैराथन की क्लास भी कराए हैं और बहुत सारी हमने क्लासेस दिए हुए हैं जिसमें हमने पूरा आपको कवर करा दिए हैं। तो ये आपका पहला रीडिंग सेक्शन इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और कैसे आपको कॉपी लिखना है प्यारे, इसके बाद वही अंतिम सेशन आपका होगा ही कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है। पहले आप मॉडल पेपर समझ लीजिए, उसके बाद जब कॉपी लिखना सिखाएंगे तो आपको इतनी बेहतरीन कॉपी लिखना सिखा देंगे प्याचे। अगर उस तरह से आप कॉपी लिख ले जाओगे तो गारंटी के साथ करें कि इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स का जो टारगेट देते हैं आप आसानी से अचीव कर ले जाओगे। इसके बाद वाला सेशन वही होने वाला है, कॉपी वाला ही होने वाला है, तो इंतजार कर लीजिए। तो प्याचे ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन दिए हुए हैं और राइटिंग सेक्शन में हमने आपको बताए हुए हैं कि आर्टिकल पूछा जाएगा और एक लेटर पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए आपका तीन आर्टिकल दिए हुए हैं, मींस जो है इनमें से किसी आप एक आर्टिकल पर इनमें से किसी एक पर आप आर्टिकल लिखिए। तो तीन आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, दूसरा जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, माय प्लान्स फॉर फ्यूचर। इस तरह से तीन आर्टिकल दिए हुए हैं और तीन आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल को आपको करना होगा और कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो प्याचे इसका भी सलूशन आपको जो है जो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, पूरी का सोल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर जी इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो भैया बिल्कुल पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपको करना होगा, एक कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, 15 नंबर अनसीन पैसेज हो गया, 10 नंबर का आपका आर्टिकल हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, ये 10 नंबर का। या फिर इसके स्थान पे आप कर सकते हैं, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। मींस जो है ये दो आपको जो है लेटर दिए हुए, इन दो लेटर में से आपको किसी एक लेटर को करना होगा और ये कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। और ये आपका लेटर भी जो है पूरा सोल्यूशन में दे देंगे, मीन्स ये दोनों लेटर को आपको इसमें करा देंगे और जो तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्याचे ये आपका तीन प्रश्न, दो प्रश्न इसमें हो गया, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में हो गया और इन सारी चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको लिखना बताएंगे इसके बाद वाले सेशन में। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, एक बार सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर दोगे प्याचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप सभी महामैराथन की जितनी क्लासेस दी गई हैं सभी महामैराथन की क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन सी ग्रामर वाला सेक्शन आता है और ग्रामर में हमने आपको बताए हैं 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न आपके जो है वन लाइनर होंगे, मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मींस आपके सामने 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक किसमें होगा, चौथे प्रश्न में होगा, 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें देखिए चौथे में पहला दिए हुए हैं, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपका फ्रेज से दिए हुए हैं, तीसरा आपका दिए हुए हैं, चौथा आपका वर्बल सब्स्टिट्यूशन है और पांचवा आपका एंटोनिम है। तो इस तरह से 5 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 5 प्रश्न है तो 10 नंबर का हो जाएगा, तो मींस 10 नंबर से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपका दिए हुए पांचवा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न हमने आपको बताया कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ये आपका वन लाइनर होगा। वन लाइनर में आपका जैसे नरेशन से प्रश्न हो गया, सिंटैक्स से हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, इन टॉपिक से आपका वन लाइनर प्रश्न पूछा जाएगा, होमोफोन से वन लाइनर हो गया, तो इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें से किसी एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। तो आपके सामने देखिए पहला दिए हुए हैं, आई से डोंट वेस्ट योर टाइम पहला है, दूसरा माई टीचर से टू यू कैन सेंड योर अप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो दो मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में दो जो है डायरेक्ट स्पीच की वाक्य देंगे, उसे एक को इनडायरेक्ट में करना होगा, ये 2 नंबर का होगा। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा सेशन लिए हुए, आप उसे देख लेना, बाकी इसका सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा।
अब उसके बाद जो है पांचवी का बी देखिए आपका दी हुई, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मींस कंबाइन करना है, मींस ये आपका सिंथेसिस से दूसरा प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले में बनाना है, दूसरे में कंपाउंड बनाना है, ये आपका दो नंबर का हो जाएगा। अगला देखिए सी वाला दिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको पैसिव वॉइस में मींस ट्रांसफॉर्मेशन से दिए हुए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिए हैं कंपैरेटिव में, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। अब दो में से एक करना होगा तो इसलिए पीएचए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, मींस आपको दो में से एक करना है, ऐसा नहीं कि एक दे दिए उसी को करना है, दो में से एक करना है, तो इसलिए अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है तभी आप एक तो आसानी से ही कर ले जाओगे। अब आगे देखिए डी वाला ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मींस इसमें से आपको किसी एक को करेक्ट करना है, तो भैया दो दिए, दो में से आपको एक को करेक्ट कर देना है, मतलब ये प्रश्न सिंटैक्स से है, और आपका सिंपल दिए यू आर सीनियर देन मी, तो देन की जगह टू हो जाएगा। दूसरा कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो भैया कैटल जो है कैटल्स नहीं होता है, कैटल ही होता है, कैटल खुद प्लेवरल होता है, तो इस तरह से बेसिक से आपका है जो है आसानी से आप कर ले जाओगे। तो ए आपका हो गया, और ई वाला देखिए चार प्रश्न हो गया, ई वाला देखिए दो नंबर का आपका है, यूज एनी वन ऑफ द मींस होमोफोन से ए आपका है प्रश्न, तो इनमें से एक का आपको प्रयोग करना है, ठीक है, तो एक का आपको वाक्य प्रयोग बना करके लिखना है। तो फिर अच्छी ए इस तरह से आपको जो है पांच मींस पांच प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे, ग्रामर के पांच प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पांच प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे, और सभी प्रश्न टोटल मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए, सभी प्रश्न दो नंबर के होंगे, तो टोटल मिलाकर के 20 नंबर आपका इस तरह से बोर्ड परीक्षा में ग्रामर से पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा, ट्रांसलेशन आपको करना होगा, तो अच्छी यहां पर देखिए दी हुए हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो एक छोटा सा इस तरह से पैसेज होगा, इससे भी छोटा आपका जो है पैसेज होगा उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो भैया ये आपका है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरी हुई थी, इसका पूरा सलूशन आपको जो है मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा प्याचे, टेलीग्राम पे जाकर के डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां पर आपको पूरा इसका पीडीएफ, मॉडल पेपर का पहले पीडीएफ दिया जाएगा, फिर इसका सोल्यूशन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है एक छठा प्रश्न ट्रांसलेशन को हो गया, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर में, 60 नंबर का आपका हो चुका, अब हम लोग आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर में, सेक्शन डी आपका है। अब सेक्शन डी में पहले प्रोज का प्रश्न होगा, फिर पोएट्री का प्रश्न होगा, फिर आपका जो है विस्तार का प्रश्न होगा, इस तरह से प्रश्न का जो है चलेगा। अब देखिए 7वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मीन्स इन प्रश्नों का उत्तर आप 40 वर्ड में दीजिए। आपके सामने जो है देखिए जो है दो दो प्रश्न का ऑप्शन होगा पीएचई, मतलब 4 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए होंगे, 4 में से आपको 2 करना है प्रोज में से, तो भैया कितना आसान है आप लोग समझ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, या फिर इसके स्थान पे आप कर सकते हैं हु आर राजकुमार शुक्ला, तो इस तरह से आपने देखा आपके पास 2 ऑप्शन है एक प्रश्न में, तो दोनों में से तो आप एक कर ही सकते हैं, और जो हमने महामैराथन की क्लास दी हुई है उसमें से हमने सब कुछ करा दिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। और बी वाला देखिए, व्हाई डिड एमएमएल ब्लेम पेरेंट्स, ये भी हमने कराए हुए थे, तो इस तरह से प्याची ए 4-4 नंबर का होगा, मींस आपका जो है ए वाले में भी 2 ऑप्शन, बी वाले में भी 2 ऑप्शन होगा, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न करना होगा प्रोज में से, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में, और दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे, तो 8 नंबर यहां से हो गया। अब इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, 8वां प्रश्न देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए दिए हुए हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, मींस इनमें से किसी एक का उत्तर 80 शब्दों में दीजिए, तो भैया यहां पर भी देखिए 2 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करना है, और कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा, तो 15 नंबर आपका प्रोज से हो चुका, ये आपका 8वां प्रश्न था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग पोएट्री में चलेंगे, और पोएट्री में आपको पता है 9वां प्रश्न से आपका पोएट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है, और 9वें प्रश्न में देखिए आपका दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मींस जो है इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर दीजिए। तो भैया एक पोएट्री का स्टैंजा दिए हैं, एंड द ओल्ड फैमिलियर एस माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड यू सी यू सून अम्मा, ये आपका जो है माई मदर एट 66 थे, तो इसके आधार पर देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेंड द पोएट्स, ये पहला प्रश्न है, ये 3 नंबर का हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाई इज द कंट्रास्ट बिटवीन पोएट्स फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, और अगला है व्हाई डिड द पोएट्स की, मतलब इस तरह से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, एक पोएट्री का स्टैंजा देंगे और उस स्टंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो है इस समय जो है सेशन यहाँ पर ले रहे हैं तो मुंह में मच्छर चला गया, ठीक है, तो दिक्कत यह है कि सेशन बाहर ले रहे थे, ऑफिस को खोल दिए हुए थे, तो इसलिए जो है दिक्कत हो गई, ठीक है, अचानक से हो गए और इसलिए दरवाजा बंद कर दे रहे हैं,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दरवाजा दरअसल ऑफिस का दरवाजा जो है बंद कर दिए थे, खोल दिए थे, खोल इसलिए दिए है क्योंकि शाम हो चुका है, खोल इसलिए दिए थे क्योंकि आवाज जो है काफी गूंजती है, अगर दरवाजा जो है बंद कर दी तो आवाज काफी गूंजती है, तो इसलिए खोल दिए हुए थे ताकि आवाज गूंजे ना कमरे में। लेकिन खोलने का नतीजा है कि बहुत सारे मच्छर घुस गए हैं, अब इसे निकालना भी पड़ेगा और एक मच्छर तो मुंह में भी आके घुस गया, इसलिए अचानक से रोकना पड़ा, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। तो प्यारे जी ये हो गया आपका जो है पोल्ट्री वाला सेक्शन हो गया। हालांकि मच्छर को खाए नहीं है, निकाल दिए हैं, ठीक है, आप लोग सोचना मत सर जी मच्छर वही खा ले गए, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका मीन्स पोल्ट्री में आपका जो एक स्टेंजा देंगे और उस स्टेंजा के आधार पर तीन प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए आपका अगला सेक्शन दिए हैं पोएट्री में ही, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मींस इन पोएम में से किसी एक पोएम की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। मींस आपको व्यर्ची हमने जो है इसमें देखिए तीन पोएम दिए हैं, तीन पोएम में से आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो भैया आपके सिलेबस में कितनी पोएम है, पांच पोएम है, इसीलिए हमने तीन पोएम का ही कराए हुए हैं और फिक्स हमने बताए हुए उसी में से एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपकी फंस जाएगी। तो जो हमने कराए हुए हैं आप वही पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार कर ले जाओगे और जो हमने कराया वही आप करोगे क्योंकि हमने उसमें एकदम सिंपल वर्ड में आपको कराए हैं। तो ये आपका जो है चार नंबर की सेंट्रल आइडिया हो गई, मतलब दस नंबर से यहां से आपका पोएट्री का प्रश्न बन गया। अब हम लोग चलते हैं अंतिम सेक्शन आपका है जो है विस्तार का। अब विस्तार में देखिए आपका ग्यारहवां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब जो है इन प्रश्नों का उत्तर 40 शब्दों में आपको लिखना है और 40 शब्दों मतलब 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पर भी देखिए आपका ए में दो प्रश्न दिए हैं, दो में से आपको एक करना है और ये चार नंबर का होगा, और बी वाले में भी देखिए आपका दो प्रश्न दिए हैं तो बी में से आपको दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। तो इस तरह से आपका प्याची चार प्रश्न इसमें भी दिए हैं, चार प्रश्न में से आपको दो प्रश्न 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में करना होगा और प्रत्येक प्रश्न चार नंबर का होगा, तो मीन्स आठ नंबर का आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है देखिए बारहवां प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए बारहवां प्रश्न दिए हुए हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, मींस इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और उत्तर कितने शब्दों में होना चाहिए, 80 शब्दों में होना चाहिए। तो भैया जो है इसमें भी देखिए आपका दो प्रश्न दिए हुए हैं और दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न को करना है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसे कितने नंबर जो है कितने शब्दों में लिखना है, कितने शब्दों में, 80 शब्दों में, तो सात नंबर का ही हो जाएगा। तो नंबर का आपका जो है क्या हो गया 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और सात नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरह से 15 नंबर आपका विस्तार से भी हो गया। तो आपने देखा प्रोज में कितने नंबर का पूछा गया, प्रोज में आपका 15 नंबर, पोएट्री से 10 नंबर और विस्तार से 15 नंबर, विस्तार से भी 15 नंबर, तो आप जो है जोड़ लीजिएगा कितना नंबर आपका हो जाएगा, तो मींस 15 15 30 10 40 40 नंबर से आपका जो है लिटरेचर से पूछा जाएगा और 60 नंबर आपका ग्रामर वाला टोटल सेक्शन होगा। तो इस तरह से बच्चे 100 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर बनेगा और एकदम हलवा पेपर आने वाला है, आप लोग बिल्कुल डरेंगे नहीं, एकदम हलवा पेपर आएगा। और इस पेपर का पूरा, इस मॉडल पेपर का पूरा सलूशन हमने बता दिए हैं टेलीग्राम पे, आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहां पर डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां पर आपको जो है ये मॉडल पेपर शेयर कर देंगे, इसका पूरा सलूशन शेयर कर देंगे, सलूशन का पूरा पीडीएफ दे देंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया पहले, अब सेशन की ही समाप्ति करते हैं और इसके बाद जो है अगला सेशन आपका जो है एक होगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, अगला सेशन इसका बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। उसके बाद जो है एक सेशन आपका होगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, तो मतलब दो सेशन आपका और बचा है, ठीक है। दो सेशन में आपको जो है उस बेसिक चीज़ें बताना है, एक तो हो गया कॉपी कैसे लिखें आपको, दूसरा जो है आपको एग्जाम में क्या ध्यान देना है। और आज भी अच्छे जो है रात 8 बजे जो है लाइव रहेंगे, हालांकि ये शायद वीडियो 8 बजे के बाद ही अपलोड हो या फिर उसके पहले भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आज रात 8 बजे सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे लाइव होंगे, तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा रात 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे, वहां पर जो भी आपकी क्वेरी है आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। तो ये आज का ये सेशन हो गया, उम्मीद करते हैं मॉडल पेपर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी बच्चे जो है आप लोग एकदम बिंदास होकर के अच्छे से पेपर दीजिए, सारी चीजें बेहतरीन होंगी, बस आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि नहीं पेपर आपका बेहतरीन जाना चाहिए। आपसे ज्यादा मुझे भी डर लग रहा है कि क्योंकि जो है हमने पढ़ाया हुआ, तो इसलिए
आपका पेपर बेहतर नहीं होगा तो मुझे भी जो है बुरा लगेगा, तो इसलिए प्यारे बच्चे आपका जितना एग्जाम है उतना मेरा भी एग्जाम है कि नहीं सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए। तो मुझे भी डर लग रहा है, आप लोग आवाज से देख सकते हैं कि डर मुझे भी लग रहा है कि सारी चीजें बेहतर जाए बच्चों की। तो इसलिए प्यारे बच्चे कोई बात नहीं, बेहतर जाएगी, बस आप कॉन्फिडेंस रखिएगा कि कुछ भी आया आप आसानी से कर ले जाओगे। और इस चीज को ध्यान में रखना कि आपको जो है प्रश्न छोड़ना नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं भी आ रहा तब भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी में काफी बच्चे ये दिक्कत करके आए हैं कि सर जी प्रश्न छूट गया है। तो भैया आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपको आए चाहे ना आए, उसमें कुछ भी आप लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। तो प्याचे ये हो गया, बाकी इसके बाद वाला जो सेशन लेंगे कॉपी कैसे लिखे, उसमें आपको सबसे बेहतरीन चीज बेहतरीन तरीके से बता देंगे किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। वो देर रात तक सेशन आपका अपलोड होगा, तो इसलिए आज रात जगते रहिएगा, ठीक है। तो प्याचे ये आज का सेशन हो गया, सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास ट्वेल्थ के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो है बस इतना कहते हैं, बाकी प्याचे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।